बुरहानपुर सहित समूचे मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के तत्वाधान में पत्र लेखन का कार्य चल रहा है, जो पूरे प्रदेश से लाखों पत्र प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को भेजे जाएंगे, जिसके लिए सभी साथी जुटकर पत्र लेखन और फॉर्म पर हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्रियों को चुनाव में किए गए वादे याद दिलाएंगे। युवा कांग्रेस के संदीप यादव ने बताया कि आपकी पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 में आपके द्वारा किए गए वादों की वादा खिलाफी ना हो, इसलिए हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी कब मिलेगी, प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार कब मिलेगा, 1.3 करोड़ बहनों को पक्के आवास कब दिए जाएंगे और किसानों को गेहूं धान की खरीद की न्यूनतम राशि कब घोषित की जाएगी। ये सभी बातें पत्र के माध्यम से युवा कांग्रेस मुख्यमंत्री से पूछने वाले हैं। देखिए, पहले तो ये जो अभियान है क्या हुआ, तेरा वादा के तहत पूरे मध्य प्रदेश में हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के द्वारा जो झूठे वादे चुनाव के समय किए गए थे, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, और जो भी उन्होंने जनता को झूठे वादे किए थे, सड़क, बिजली, पानी, जो एक बेसिक जरूरत होती है, उन सभी पर इन्हों पे खरी नहीं उतरी है। उसी को याद दिलाने के लिए युवक कांग्रेस द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में अभियान चलाकर पोस्टकार्ड के जरिए उन्हें उनके वादे याद दिलाए जा रहे हैं, जिसमें बुरहानपुर जिले से भी फॉर्म भरना चालू है और पोस्टकार्ड के जरिए हर युवक कांग्रेस के जो सदस्य हैं हमारे, उनको उनके नाम से एक एक पत्र जो है मुख्यमंत्री के नाम भेजा जा रहा है। तकरीबन बुरहानपुर से हैं अभी तक हमारे युवक कांग्रेस के 15,000 के ऊपर सदस्य हैं, जिसमें से हमने अभी तक अनुमान लगाया है कि हमारी 8,000 तक की अनुमान है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अभी समय हमारे पास है तो हम इससे भी ज़्यादा बढ़ाकर तकरीबन इसे 15,000 तक ले आने की कोशिश कर रहे हैं।